गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सब भी अच्छे हैं। सुबह की शुरुआत मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि मेरा दिन की शुरुआत कैसे होती है। मैं हमेशा सारे काम ख़त्म करने के बाद पार्लर को निकलते वक्त आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो जैसे कि देख रही हूँ कि मैं भी ब्रश कर रही हूँ और मेरे साथ साथ चिक्की को भी ब्रश करा रही हूँ। हमारी दोनों की चीज़ें साथ साथ ही होती है। जैसे ही तेजू राज निकल जाते हैं अपने स्कूल और काम के लिए, उसके बाद मेरा और चिक्की का रूटीन शुरू हो जाता है। क्योंकि आज मैंने पार्लर से ऑफ लिया था तो हम दोनों बहुत आराम से उठे हैं। तेजू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वापस सो गई थी चिक्की के साथ ही। तो अब जो है हमारे मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। चिक्की को रोज़ सुबह मेरे साथ ही मैं सारे उसके रूटीन्स करा देती हूँ, क्योंकि वो साथ साथ हो जाएगा तो फिर मेरे भी काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और उसके लिए मुझे, क्योंकि देखिए उसे हम अकेला एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते उसकी तबीयत के लिए, क्योंकि उसको एपिलेप्सी है तो उसे हम एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो एकदम से कभी कभी गिर जाती है, तो मुझे मेरे काम भी उसी के साथ करने पड़ते हैं ताकि उसके ऊपर मेरा ध्यान रहे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं चिक्की के रूटीन के काम करती हूँ उसी वक्त में अपने भी ख़त्म कर लूँ। तो अभी सुबह के सारे काम हो चुके, हमारे सुबह के रूटीन हो चुके। तो चिक्की की सुबह की टैबलेट्स अभी मैं उसको दे दूँगी, और उसके बाद आधा घंटे के बाद हमें नाश्ता कराना होता है चिक्की को। तो मैं क्या करती हूँ, उसको टैबलेट दे के घर की साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आधे घंटे में मेरा कचरा निकालना हो जाए या पोछा करना हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके बाद उसको भी नाश्ता करा देती हूँ और मैं खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे सुबह का जो नाश्ता होता है, सुबह की घर की साफ़ सफाई होती है, ये और सुबह का जो रूटीन है मॉर्निंग रूटीन, ये सारा मुझे एक घंटे के अंदर ख़त्म करके पार्लर के लिए निकलना होता है। क्योंकि मैंने आज छुट्टी ली है तो मैं सारी चीज़ें जो है वो आराम से कर रही हूँ। चिक्की को भी बीच बीच में टीवी प्रोग्राम लगा के देना हो या फिर बाकी की चीज़ें करनी हो, एकदम आराम से कर रही हूँ। वैसे तो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ आप लोगों को, बट क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, हम 8 बजे उठे थे, 9 बजे तक अभी मेरा सारा घर का साफ़ सफाई का काम हो चुका है। अब मैं और चिक्की करेंगे नाश्ता। बट उससे पहले मैं सोच रही थी कि किचन भी क्लीन कर लूँ, एक ही बार सब कुछ क्लीन हो जाएगा तो फिर आराम से बैठ के हम दोनों नाश्ता कर सकते। बर्तन तो मैं बाद में ही घसूंगी, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि कभी अभी मैंने मेड नहीं रखी है फ़िलहाल किसी को भी अपने घर में बर्तनों के लिए, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था किसी के बर्तन क्लीन होने का। तो फ़िलहाल तो मैं ही कर रही हूँ और एडजस्ट हो भी चुका है हमारा। तो चलिए अभी नाश्ते की तैयारी करते। आज हमने बनाई थी पाव भाजी, तो पाव भाजी के लिए मैं अभी पाव गर्म करूँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी और चाय के साथ साथ अपनी पाव भाजी एंजॉय करूँगी। तो सिद्धारूढ़ मठ में सुबह की आरती चल रही है और मुझे वो आरती अच्छी तरह से सुनाई देती है, सुबह 4 बजे की भी बहुत ही क्लियर सुनाई देती है। तो आरती करते करते ही मैं अभी अपना नाश्ता बनाऊँगी। और बीच में ना कमर एकदम से अकड़ गई, पता नहीं क्यों आज कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अभी आगे आइए, धीरे धीरे सारे काम खत्म करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एलर्गू, तो यहाँ पे मेरा और चिक्की का नाश्ता शुरू हो चुका है। हम दोनों साथ साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, उसे खिलाना पड़ता है। तो मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप चिक्की को खुद ही खाने के लिए सिखाइए, आप मत खिलाइए। तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स कि हम उसे कुछ सिखाते नहीं है, हमने उसे इतना रेडी किया है। अभी आपके सामने आप जो चिक्की देख रहे हो, 10 साल के पीछे चिक्की ऐसे नहीं थी। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू कर चुकी थी तब तक चिक्की बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। उसके पहले के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं पता है, और कभी इत्मीनान से उसकी जर्नी ज़रूर बताऊंगी मैं, ताकि जो लोग स्पेशल चाइल्ड के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे उन लोगों को थोड़ी इंस्पिरेशन मिले और वो लोग अपने लाइफ में और थोड़ा कुछ अच्छा कर पाए। तो चिक्की ड्राई चीज़ें अपने हाथों से खाने लगी है, वो हमने सिखाया। बट इस तरह से नाश्ता करना, से चपाती के साथ सब्ज़ी लगा के खाना, वो सब अभी उसे नहीं आता है। वो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी,
और अचानक से ना चिक्की को एपिलेप्सी का अटैक आ गया सुबह सुबह ही नाश्ता होते ही। तो इस तरह के अटैक्स उसको आते हैं। आपने कभी भी व्लॉग में ये चीज़ नहीं देखी क्योंकि मैंने नहीं दिखाई है आप लोगों को, कि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग ये समझे कि ये सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाती है, ऐसे नहीं है। मैं ज़्यादातर लोगों को खुशियाँ ही बांटना ज़्यादा सही समझती हूँ, बट ज़िंदगी में जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे एहसास हुआ था परसों। तो उस वजह से मैं आज दिखा रही हूँ। अचानक उसको नाश्ता होने के बाद थोड़ा सा अटैक आ गया, छोटा सा ही एपिलेप्सी का, तो अब उसे सुलाना, उसको ठीक करना, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यही ज़िंदगी है दोस्तों, और ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यही मुझे आप लोगों को बताना भी था। कभी भी मैंने आज तक चिक्की की हेल्थ के बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया आप लोगों के साथ। छोटी छोटी बातें मैं बताती रहती हूँ ऑब्वियसली, बट बहुत प्रॉब्लम्स है चिक्की के साथ जो हम रोज़ डील करते हैं, बट हम हंसते रहते, खुश रहते, उसे भी खुश रखते हैं। और चिक्की ने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में बचपन से ही, जब से पैदा हुई है तब से, बट वो बहुत स्ट्रांग लड़की है और वो सारे ट्रीटमेंट सही से करवा लेती है, फिजियोथेरेपी करवा लेती है, स्पीच थेरेपी हो, सारे भी जितने भी हमने थेरेपीज उसको दिए वो सही से कर लेती है, और अब वो बहुत हद तक ठीक भी हो चुकी है। बट मेरी बच्ची बहुत स्ट्रांग है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि पूरा परिवार मेरा चिक्की को बहुत सपोर्ट करते हैं। जानू हो, तेजू हो, राज हो, मेरी सास थी, सब लोग हम चिक्की की हेल्थ की इतनी केयर करते हैं और उसे बूस्टअप करते रहते हैं बार बार कि नहीं तू कर सकती है। तो उस वजह से चिक्की अभी ठीक हो रही है। तो चलो चिक्की को अब हम रेस्ट करने देते हैं। और मेरे बर्तन पड़े सारे, अभी वो सारे बर्तन मैं घस लूँगी, क्लीन कर लूँगी, और बर्तन क्लीन होने के बाद मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को पूरा देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरा पूरा व्लॉग देखते ही नहीं, सोचते क्या ही होगा व्लॉग में, बट आज का व्लॉग आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चिक्की का भी नहाना हो गया, अभी वो फ्रेश हो गई, लेकिन उसको नींद है अभी भी। देखिए कैसे कर रही, उसको बोल रही मैं आके खोल, ठीक है कंट है माँ तोरे सोने मिशन तोरे माता ना, तो उसको बहुत नींद है फ्रेंड्स। थोड़ा गर्म गर्म पानी से नहला चुकी हूँ उसको, तो नींद ज़्यादा है और नाटक बहुत कर रही है वो। अभी वो जाग रही है, वैसे सो नहीं थी, लेकिन आँखें देखिए 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 ए देखिए कैसी इतनी नखरे बाज हो गई है ना लड़की है। हाँ बाय मैडम लगो बाय बाय। तो ठीक है, अब मैं उसको सोने देते हैं। हाँ मको देखिए कितनी फटक से फटक से। हाँ तो फ्रेंड्स मेरी पूजा भी हो गई है, घर के सारे काम भी हो चुके हैं और चिक्की भी फ्रेश हो चुकी है, चिक्की वापस सो रही है। आज उसकी तबीयत थोड़ी नरम नरम ही है, जैसे कि सुबह ही उसको थोड़ा बोला ना मैंने अटैक आया था एपिलेप्सी का, और अभी भी वापस नहाने के बाद भी स्लाइट अटैक आया है। तो जब भी उसको सुबह सुबह अटैक आता है इस तरह का, तो वो थोड़ी नरम ही रहती है, हो जाएगी दोपहर 3-4 बजे तक वो नॉर्मल हो जाएगी। वैसे अभी 12 बज चुके और आज जैसे कि सोच ही लिया था मैंने कि आज मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, मैंने अपॉइंटमेंट्स भी नहीं ले रखे थे पार्लर के, आज सारे शाम को रखे मैंने, क्योंकि लास्ट वीक 2 वीक इतने मुझे ब्राइडल्स और अदर्स के फेशियल्स वगैरह के इतने ऑर्डर्स थे ना, मैं बहुत बिजी थी। लेकिन उन कुछ 2 हफ्तों में ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है और क्लाइंट भी बहुत होने के कारण मेरा खाना भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, मैं रात को लेट खा रही थी, दोपहर में भी मैं थोड़ा लेट खा रही थी, तो आई थॉट कि उस वजह से शायद थकान हो रही है और इसीलिए मुझे थोड़े से ना गिडीनेस, मतलब थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, तो आई थॉट कि उस वजह से थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा है। तो मैंने थोड़ा नेग्लेक्ट किया था 15 दिन के पीछे, जब मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे और मेरे कानों में भी पटाखे फूटे जैसे हुई हो रहा था, तो मैंने राज को बताया था, तो राज ने कहा नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तू नेग्लेक्ट मत कर, अभी कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है इस उम्र में आने के बाद। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं बहुत क्लाइंट्स है और मैं सुबह भी और शाम को भी टोटल बिजी थी मैं, और हमारे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स इस टाइम पे मिल रही थी कि जिस टाइम पे मुझे क्लाइंट बहुत होते,
मैंने एक हफ्ता फिर भी ऐसे ही ढकेल दिया कि नहीं देखेंगे, फिर मैंने माइग्रेन की वगैरह गोली भी ली, फिर भी मुझे तकलीफ़ कम नहीं हुई। तो लास्ट वीक फाइनली राज इतना डांटा मुझे कि नहीं तू चलेगी कि नहीं डॉक्टर के पास, कुछ ज़्यादा कम होने के बाद निकलेगी क्या, इस तरह से उसने मुझे डांटने के बाद मैं हॉस्पिटल गई और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं आपको टैबलेट स्टार्ट करना है, फिर भी हम एकदम से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 वीक टाइम लेंगे। तो मुझे ना हाथ इन दो ये उंगलियों में और पैरों की उंगली में भी ना मुंगिया पकड़ रही थी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जुम, मतलब हमारे यहाँ पे तो मुंगिया ही बोलते, ऐसे सुंद हो जाता है ना पैर, सेंस ही नहीं रहता है हाथों पैरों में, तो वैसे हो रहा था। तो मैंने वो भी बताया था डॉक्टर को, तो उस तरह से हो रहा है मुझे। तो उन्होंने टैबलेट्स दिए, आप देखिए 1 वीक चेक करिए फिर वापस आइए। तो उस 1 वीक में भी ना वो टैबलेट्स लेने के बावजूद भी मुझे तकलीफ़ हो ही रही थी, मेरी सांस फूल रही थी और मुझे गिड़ीनेस आ रहा था, मुझे बहुत ऐसे सुस्त हो रहा था। तो फिर राज को कहा नहीं, मैंने राज ने कहा कि नहीं अभी तो जाना ही पड़ेगा, वैसे भी डॉक्टर्स ने 1 वीक के बाद बुलाया था बट हम 5 दिन में ही चले गए, हमने वीक होने का भी इंतज़ार नहीं किया। और बीपी बढ़ ही गया था मेरा, फाइनली बीपी बढ़ ही गया था और डॉक्टर्स ने कहा दिस इज़ द टाइम ना यू शुड स्टार्ट द टैबलेट्स। एंड फिर तो कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, कि डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए वैसे भी हमने 15 डेज से चेक कर रहे, वैसे भी बीपी तो मेरा चेक हो ही रहा था, हर 7 डेज के, 3 डेज के, 4 डेज के बाद में बीपी चेक कर रही थी, तो वो बढ़ते ही जा रहा था, 127, 41, 51, 60 ऐसे बढ़ते ही जा रहा था। तो सर ने कहा अभी सही नहीं है कि आप अभी टैबलेट्स ना लो तो गलत हो जाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, नाउ द टाइम कि अभी आपको स्टार्ट करना ही है। तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, मेरी अभी बीपी की गोलियां शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं पिछले 4 दिन से ले रही हूँ, बट उन गोलियों के साथ भी एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, और क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी बहुत थे तो मैं उन कामों के साथ थोड़ा एडजस्ट करके अपनी हेल्थ को भी थोड़ा टाइम दे रही थी, इसलिए मैंने आज ऑफ ले लिया था पार्लर से कि नहीं आज ऑफ लेंगे, आज आराम से उठेंगे, सारे काम आराम से करेंगे। अभी मैं थोड़ी एडजस्ट हो रही हूँ उस टैबलेट्स के साथ, बट क्यों पता नहीं क्यों मुझे ना कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, इवन मुझे शोल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो और एक बार मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बताने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि मैंने ये क्यों बताया आपको, कि लोग सोचेंगे कि तुझे बीपी बढ़ गया तो हमें क्यों बता रही है, भाई ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके डेली रूटीन में आपकी हेल्थ में थोड़ी सी भी कुछ कम ज़्यादा लगे आपको तो नेगलेक्ट मत कीजिएगा, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैं स्पेशली लेडीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि लेडीज़ हमेशा ऐसे ही करती है जैसे मैंने किया, नेगलेक्ट करती है, चलो एक गोली ले लेंगे आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे हम बोल देते हैं एंड हम बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर राज उस दिन फोर्स नहीं करते तो शायद मैं भी नहीं जाती, बट होता है ना कि आपका पार्टनर आपका सही ध्यान रख रहा है तो आप कहीं ना कहीं हाँ चलो ठीक है ऐसे हो जाता है, बट नहीं, राज ने बहुत ज़्यादा मुझे डांटा, फोर्स किया कि नहीं हमें जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास, तो पागल हो गई है क्या, तो जो कुछ हो जाएगा। तो उस डर से मैं डॉक्टर के पास गई और जैसे कि आपको पता जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मुझे बीपी की गोलियाँ लेनी है, अगर मैं उस दिन नहीं जाती और एकदम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो क्या हो जाता, वो सोच के डर लगता है फ्रेंड्स। तो आप ना बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए, अगर आपको कभी भी कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी सी भी चेंजेस, थोड़ी सी भी मतलब सर भी अगर 3-4 दिन में रेगुलरली आपका सर दर्द हो रहा है, या आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बार बार, या आपके हाथ पैर सुंद पड़ रहे, तो नेगलेक्ट मत कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, कंसल्ट कीजिए, कुछ ना हो तो अच्छा ही है, अगर कुछ हो तो प्लीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा, कि नहीं नहीं किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, ये क्या पागल है क्या डॉक्टर, ऐसे बोलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो ऐसे मत कीजिए, कोई डॉक्टर पागल नहीं होते, डॉक्टर जो सलाह देते वो सही देते, तो अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए, अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाइए और हेल्दी रहिए। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी इसीलिए आज का व्लॉग शुरू किया था। और बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि वाह तेरी लाइफ तो क्या मस्त, तो यस मेरी लाइफ मस्त है क्योंकि मैं उसे मस्त रखती हूँ, जितने भी चैलेंजेस आते हैं हम पूरे दिन में उनको हंसते हुए निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप मुश्किलें है इस बात को लेकर रोते बैठोगे तो आपकी मुश्किलें हल होने वाली है नहीं,
उन मुश्किलों का सामना करते हुए हुए आप अपने रोज़ के दिन को किस तरह से खुश मिजाज रख सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी किस तरह से खुश रख सकते हैं, बस मैं यही सोचती हूँ और मैं उसी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ। यस, मुझे भी हो जाता है कभी कभी, मैं अपसेट हो जाती हूँ, मैं रोती भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं रोती, मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ, बट वो सब लाइफ का एक पार्ट है। बस उसी मूड में मैं पूरा दिन नहीं रहती हूँ, मैं बहुत इमीडिएटली अपने मूड को चेंज कर लेती हूँ और मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए, लाइफ में ना बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो होती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम से नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है, बस उसे किसे आप डील करते हो, यही मेन बात है। तो मुझे ये सब बातें आपके साथ शेयर करनी थी, अभी बहुत सारी बातें जो शेयर करनी है जो आगे ऐसे व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। सॉरी, बीच में उठ के जाना पड़ा, कोई आए थे। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मैं कल मिलूंगी किसी अच्छे व्लॉग में, किसी अच्छे वीडियो में, किसी अच्छे थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।